सर, शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे चली तो मुझे इस बात का संतोष है और आनंद है कि पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार माननीय मोदी जी की बन रही है और देश भर के जो रुझान आ रहे हैं और खास करके हम सब समझ सकते हैं कि जब तीसरी बार अर्थात 15वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, 10 साल के कोई सरकार चले उसके बाद भी जनता उस पर विश्वास रखे और वही इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाला देश, इतनी विभिन्न प्रकार की आबादी, विभिन्न प्रकार की समस्याएँ, विभिन्न प्रकार के माहौल और विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रही है। साथ ही साथ और संतोष की बात है, 29 की 29 मेरे पास अभी जो रुझान आए 29 ही लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 की 29 की भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को बड़ी माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित जी से। छिंदवाड़ा में नकुल नाथ भी 10,000 वोटों से पीछे चले। हमने तो पहले कहा था कि छिंदवाड़ा में हमको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। छिंदवाड़ा हमारे लिए खास करके कमलनाथ के तरफ कांग्रेस में गढ़ है, हमने जो गढ़ में गड़बड़ी है और वो गड़बड़ी सबके सामने आई है। जनता का प्यार भाजपा के प्रति है, छिंदवाड़ा को